हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइस सुबह का जो है नाश्ता पानी हो चुका है और सब अपने काम पे चले गए हैं और मेरा होता है अपने घर का काम स्टार्ट। तो गाइस 3-4 दिनों से बारिश लगी हुई थी और बहुत ही ज़्यादा, मतलब कपड़ों का काम इतना था आपको बता नहीं सकती मैं। और पूरी चेयर मतलब 5-6 दिन के कपड़े थे और सारे सूखने डाल रही हूँ अभी मैं। और अभी मैं अपने लेंटर के ऊपर आई हूँ और चादरें वगैरह मैंने डाली सूखने और सोचा थोड़ी सी आपसे बातचीत कर लेती हूँ मैं। तो गाइस कितने दिनों के बाद आज धूप आई है और मतलब बहुत सारा काम है आज करने को, हमेशा होता है लेकिन बारिश में उतना काम हो नहीं पाता है। इसीलिए सबसे पहले मैं आपसे शेयर करूँगी कपड़े, तो आपको बताऊँगी कि मैंने कहाँ कहाँ कपड़े सूखने डाले हैं, क्योंकि कितने कपड़े हैं, कहाँ कहाँ मैंने उनका सेटल किया हुआ है। और चादर तो मैंने लेंटर के ऊपर डाल दी और कुछ कपड़े मैंने नीचे तार के ऊपर और कुछ मैंने बैक साइड में और कुछ मैंने इस साइड में डाले हैं, तो आपको सब कुछ दिखाऊंगी मैं। तो गाइस ईद भी हो गई, रमज़ान भी हो गया, शादियाँ वगैरह भी होगी, अब फिर से वैसे ही अपनी डेली रूटीन पर आ गई हूँ मैं। तो रोज़ आपको अपना डेली रूटीन दिखाऊँगी कि मैं क्या क्या करती हूँ और रोज़ कौन सा मेरा नया काम क्रिएट होता है। तो आप हमेशा मेरे ब्लॉग के साथ बने रहिए और मुझे आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सपोर्ट करें और मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर भी करें और प्यारे प्यारे कमेंट भी करें और हमेशा बने रहें साथ में। तो गाइस हमारे लेंटर में उतरने के लिए सीढ़ियाँ नहीं है और हम ऐसे उतरते हैं, देखिए। तो गाइस यहाँ पर देखिए मैं सीढ़ियाँ उतर रही हूँ, हमारी जो है बनी नहीं हुई है, हम मतलब जो हमारी सीढ़ी जो पौड़ी नहीं होती है उसको लगा के हम चढ़ते और उतरते हैं नीचे इसी के सहारे से। देखिए इस तरह से कुछ सीढ़ियाँ हैं हमारी। अच्छा तो गाइस देखिए पीछे मेरे, तो गाइस आपको अपने गुलाब दिखाती हूँ और गुलाब जो है सारे मुरझा गए हैं, जैसे आपको रोज़ देखने को मिलते थे ना वैसे अब नहीं रहे हैं, जैसे हैं वैसे दिखाती हूँ। देखिए ये वाला। तो गाइज यहाँ पे देखिए गुलाब के पौधे में बहुत ही कम गुलाब रह गए हैं, अब सारे ही सूख गए हैं और मुरझा गए हैं और पौधे हमारे गुलाब के खाली हैं, बस बहुत ज़्यादा रेयर हैं अब गुलाब और बहुत ही कम बचते हैं। तो देखिए गाइस किसी टाइम जो है इनकी खूबसूरती मतलब इतनी हो जाती है कि बहुत ही मन खुश होता है, लेकिन अब देखिए हमारे गुलाब के पौधे जो हैं खाली पड़ गए हैं। और ये लास्ट में सबसे हुआ था हमारा गुलाब, ये मैरून कलर का है और बहुत ही अच्छा गुलाब है। तो गाइस यहाँ पे देखिए मैं कपड़े सूखने डालने का काम कर रही हूँ, आधे कपड़े सूखने डाल चुकी हूँ, सब जगह बिखरा दिए हैं मैंने कपड़े, आगे पीछे जहाँ भी मुझे जगह दिखाई दी वहाँ मैंने कपड़े सूखने डाल दिए, क्योंकि अनलिमिटेड कपड़े जिनको बोलते हैं, क्योंकि 4-5 दिन रेगुलर जो है बारिश होती रही और इसी वजह से कपड़े इतने इकट्ठे हो गए थे और मतलब 1 घंटा मुझे सूखने डालने के लिए लगा कपड़ों को। तो गाइज़ अब आ जाती हूँ मैं किचन में और किचन का जो भी काम बचता है उसको कम्प्लीट करूँगी अभी मैं, देखती हूँ मतलब क्या क्या काम होता है। तो गाइस सबसे पहले मैं जो है पुरात से आटा निकाल दूंगी और बड़े से बाउल में डाल दूंगी और फ्रिज में रख दूंगी मैं। और फिर उसके बाद जो है थोड़े से बर्तन होते हैं, बर्तन को साफ़ करूंगी मैं। और फिर चपाती वगैरह बनाई थी, ब्रेकफास्ट बनाया था, तो अभी तक किचन का मतलब किचन क्लीन नहीं किया था, तो मैं किचन को क्लीन कर रही हूँ, यहाँ पर आटा वगैरह फैला हुआ उसको साफ़ कर रही हूँ। और फिर उसके बाद मैं करती हूँ गैस साफ़। तो यही किचन के काम होते हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम होते हैं, किचन क्लीनिंग जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी गैस भी अगर साफ़ रहती है तो मतलब दिमाग में टेंशन नहीं होती है, बस है चूल्हा हमारा बिल्कुल साफ़ सुथरा है। और गैस यहाँ पर बना रही हूँ मैं नारियल का जो बुरादा नहीं होता है उसकी मतलब मैं थोड़ी सी ऐसी बर्फ़ी जैसी बना लूँगी, तो ऐसे पड़ी थी और ख़राब हो रही थी, मैंने सोचा कि चलो बना लेती हूँ, कुछ ना कुछ मीठा खाने को हो जाएगा। और बिल्कुल 3 चीज़ों से ही मैंने बनाई है, इसमें मैंने कोई स्पेशल चीज़ नहीं डाली है,
गरी का जो बुरादा था वो डाला हुआ है, दूध लिया है और चीनी ली है, और इसके साथ ही हमारी जो मिठाई है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार बनी है गाइज़, मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, मतलब खाने का इतना मज़ा आया कि आप पूछो ही मत। तो देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से बनी, मैंने पहले दूध को मैंने बॉयल कर लिया थोड़ा सा, मतलब पकने दिया, उसके बाद मैंने बुरादा इसमें डाल दिया, उसके बाद थोड़ा सा चलाया, उसके बाद चीनी डाल दी और सूखने, दूध सूखने तक मैं चलाती रही इसको। उसके बाद हमारी जो है बर्फ़ी बिल्कुल रेडी हो जाती है। तो देखिए कुछ बर्फ़ी हमारी इस तरह से बनी है, और थोड़ा सा मैं इसको फैला लेती हूँ और उसके बाद मैं इसको फ्रीज़र में लगा दूँगी सेट होने के लिए। और जब सेट हो जाएगा थोड़े से मैं मतलब पीसीस में इसको कट कर लूँगी, और घरेलू तो हमने खुद ही खानी है, ऐसा कोई है नहीं, कोई कुछ ज़्यादा प्रेजेंटेशन की ज़रूरत तो नहीं है। और मतलब गाइस जब मैंने खाई ना ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार थी, आप भी एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें। तो गाइस अभी भी बात करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, मतलब गला अभी तक ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है, इसलिए मतलब बहुत ही प्रॉब्लम आ रही है मुझे बातचीत करने में। तो यहाँ पे मैं गाइस देखिए शाम का वक्त है और बाहर थोड़ी देर टहल रही हूँ, मैं घूम रही हूँ ऐसे ही, और अब आ जाती हूँ मैं किचन में। ये किचन में मैं शाम की चपाती लगा रही हूँ, खाना बन रहा था इसी टाइम। तो गाइस इसी के साथ मैं अपनी वीडियो भी बंद करती हूँ। आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर करिएगा। तो चलती हूँ मैं और मिलती हूँ आपसे अपने अगले ब्लॉग में किसी नए टॉपिक के साथ, कुछ नई प्रेजेंटेशन के साथ। तो बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।